नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिवान न्यूज चैनल। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। इस वक्त की बड़ी खबर सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां एक टेम्पो और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। वहीं ट्रक का ड्राइवर ट्रक लेकर भागने में सफल रहा। घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के फरीदपुर गाँव के समीप की बताई जा रही है। वहीं टेम्पो में बैठे 6 लोग पूरी तरह घायल हो गए हैं। घायलों को त्वरित इलाज हेतु सदर अस्पताल सिवान लाया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। यहां पे ट्रक वाला आकर के मार दिया है। टेम्पो यहीं पे जा रही थी, साइड से जा रही थी, टेम्पो में भी लगा हुआ है। बाइक से दो आदमी सवार था, उनको भी लगा थी। बहुत गंभीर रूप से आदमी जख्मी है और अभी यहीं पे हुआ है, महापुर। हाँ, महापुर चट्टी पे जब अभी हुआ है, अभी हॉस्पिटल हम लोग भेजे हुए हैं 3 आदमी को। अभी 2 आदमी बहुत गंभीर तरह से यहाँ पे जख्मी है, उन लोग को भी भेजना है। जा रहा ट्रक वाला तो रफर हो गया, भाग गया, रुका भी नहीं यहाँ पे। सिवान नहीं, प्रशासन अभी तक नहीं आई है। प्रशासन को अभी तक खबर भी नहीं गया, अभी तक आया भी नहीं प्रशासन। क्या टेम्पो जा रही थी, उसके आगे बाइक जा रही थी, तो बाइक वाला घुमाने का प्रयास किया, ठीक है। तब तक ट्रक ने उसको आके राउंड दिया। ट्रक बाइक वाले 2 सवार थे जो पूरा जख्मी हो गए हैं, और टेम्पो में भी सवार थे लोग, वो 6 आदमी जख्मी हो गए, सर में ड्राइवर भी जख्मी हो गया। अंदर के तरफ से आ रहा, सिवान के तरफ गया है। टेम्पो में 6 और बाइक पे 2, बाइक वाले ज्यादा जख्मी हो गए हैं। रजनीश कुमार मिश्रा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इस तरह की और भी ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको खबरें पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नमस्कार। SCC Solar Streetlight, NSIC, ISO and CE approved Government of India, शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय नियमता के अनुसार लगाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।